चलिए एक्सरसाइज 4.5 के मैंने क्वेश्चन नंबर 8 के दोनों क्वेश्चन लिख दिए। अच्छे क्वेश्चन है, फैक्टराइज करना है, एक शानदार क्वेश्चन है पहला। अब छोटा सा जो लॉजिक यहाँ लग रहा है वो क्या है, देखो ध्यान से, x पे क्यूब लग रहा है, बहुत बढ़िया, 6x2 12x। अब देखो इस 16 को कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 8+8, और इसको करने का फायदा क्या हुआ आपको भी दिखाई देगा। ये x का क्यूब जो बना ये बना a क्यूब और ये 8 बना 2 का क्यूब। अब देखो जरा a क्यूब प्लस b क्यूब, आइडेंटिटी क्या होगी अपने पास, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² और आइडेंटिटी होती किसकी है, a प्लस b के होल क्यूब की। अब सोचो a क्यूब प्लस b क्यूब वो दोनों टर्म तो आपके पास मौजूद है, चेक करो 3a² b में आपके पास होना क्या चाहिए, ऐसे 3ab² में आपके पास क्या होना चाहिए जिसमें a किसको डिनोट कर रहा है x को और b किसको डिनोट कर रहा है 2 को। तो चेक करो 3a² b, a इज योर x और b है आपका 2, तो 3a² b के लिए आपको टर्म चाहिए 6x² लिखा हुआ। ये देखिए 6x² लिखा हुआ है, मतलब ये जो 6x² है ये 3a² b का ही टर्म है। 3ab² चेक करो, 3a और b स्क्वायर, तो 2 2 4 4 3 12, 3ab² की जगह आपको 12x लिखा हुआ चाहिए। देखो 12x ही लिखा हुआ है, मतलब ये जो पूरा पार्ट है ये पूरा एक आइडेंटिटी को फॉर्म कर रहा है। ठीक है, मैं लिख देता हूं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b, मैंने सॉल्व तो करके दिखाई दिया कि ये 6x² ही लिखा होता है, प्लस 3ab² और प्लस का ये जो पीछे लिखा हुआ है। अब ये जो पूरा पार्ट है ये पूरा आइडेंटिटी बन गया, तो आइडेंटिटी लिख के दिखानी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन में एक्स वाला वेरिएबल यूज किया हुआ है, तो आप आइडेंटिटी में वेरिएबल कोई दूसरा यूज करना, तो मैंने ए यूज करना है और बी यूज करना है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² और आइडेंटिटी हो गई ए प्लस बी के होल क्यूब की, जिसमें ए क्या हो गया पहला टर्म जिसमें क्यूब लग रहा है, पहला टर्म जिसमें क्यूब लग रहा है एक्स, बी क्या है दूसरा टर्म जिसमें क्यूब लग रहा है और वो क्या है यहाँ पर 2। चेक करो ये जो क्वेश्चन का ये जो हिस्सा है वो आइडेंटिटी के LHS ऐसा दिख रहा है। देखो 1 2 3 4, टोटल 4 टर्म है, 1 2 3 4, टोटल 4 टर्म है, मतलब आइडेंटिटी के LHS मैच हो रहा है। आप वैल्यू RHS में डालो तो a प्लस बी का होल क्यूब, तो x प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 8, प्लस 8 को लिख दिया आपने प्लस 2 का क्यूब। अब देखो फिर फायदा, अगर इस पूरे ब्रैकेट को फिर से मैं a मान लूं और इस पूरे ब्रैकेट को b मान लूं, तो फिर से आइडेंटिटी लग रही है a क्यूब प्लस b क्यूब की, आइडेंटिटी तो यही है, बस इस बार क्वेश्चन मैच इस वाले पार्ट को कर रहा है और आपको वैल्यू यहां डालनी है। आइडेंटिटी फिर से लिख लेते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² जिसमें a क्यूब मतलब a क्या है आपका, a है आपका x प्लस 2, पहला टर्म जिसमें क्यूब लग रहा है तो वो है x प्लस 2 और b क्या है दूसरा टर्म जिसमें क्यूब लग रहा है 2। बस वैल्यू डाल दीजिए RHS में, a क्यूब a है आपका x प्लस 2 तो x प्लस 2 का होल क्यूब प्लस b क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b 3a² a is what x plus 2 3a² b plus 3ab² b is 2 तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए विच इज ब्लैस के सिंबल भी लगा दीजिएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² ये कितना हो गया 8, ये देखो कितना हो गया 2 3 6 और x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है जो कि अगले स्टेप पे करूंगा। नेक्स्ट ये कितना हो गया देखो 2 2 4 3 12 तो प्लस 12 और x प्लस 2। चलिए अब कितना हुआ x क्यूब प्लस 8 2 3 6 6x² प्लस 2 2 4 3 12x प्लस 8 प्लस 6 होली x प्लस 2 का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 12x प्लस 24। अगला स्टेप देखिए, तो x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x प्लस 8 प्लस 6x²
प्लस 24 प्लस 24 एक्स प्लस 12 एक्स और प्लस का 24। अब जरा लाइक टर्म्स एक तरफ करते हैं, एक्स क्यूब तो सिंगल ही है, सिक्स एक्स स्क्वायर सिक्स एक्स स्क्वायर दोनों ही प्लस के, 12 एक्स स्क्वायर, एक्स वाला टर्म देखिए 12 24 और 12 तो ये कितना हो गया 12 और 12 24 प्लस 24 हो गया 48, तो सारे प्लस के हैं तो प्लस 48x। अब रह गए विदाउट x वाले टर्म, तो 8 24 और 24, 24 प्लस 24 इज 48, 48 प्लस 16 इज 64। ये लीजिए, ये होगा आपका फाइनल आंसर। चलिए क्वेश्चन का बी पार्ट देखते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर भी देखो ये माइनस का 2b क्यूब कैसे स्प्रेड किया जाएगा, तो a क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर बी प्लस का 3ab स्क्वायर, और देखिए इसे मैंने क्या लिखा माइनस का b क्यूब माइनस का b क्यूब। इसे करने का फायदा देखो, अगर पहली चार टर्म को देखो तो डायरेक्ट आइडेंटिटी लग रही है, मैं लिखाते दिखाता हूँ, मैं लगा के दिखाता हूँ, a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, पूरी आइडेंटिटी का ही फॉर्म है, और माइनस का बी क्यूब अलग लिखे हैं, और ये डायरेक्टली आइडेंटिटी किस चीज की है, a माइनस बी के होल क्यूब की माइनस बी का क्यूब। अब चेक करो अगर इस ब्रैकेट को मैं पूरा एक्स मान लू और इस पूरे ब्रैकेट को वाई, तो आइडेंटिटी तो फिर लग रही है कौन सी, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की, और जो होती क्या है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई, जिसमें एक्स क्या डिनोट कर रहा है, एक्स डिनोट कर रहा है पहला टर्म जिसमें क्यूब लग रहा है a माइनस बी मतलब, और y क्या डिनोट कर रहा है दूसरा टर्म जिसमें क्यूब लग रहा है। चलिए जो क्वेश्चन है वो आइडेंटिटी के LHS जैसा है, वो क्यों देखो एक और दो, दो टर्म के बीच में माइनस, दो टर्म के बीच में माइनस, मतलब क्वेश्चन आइडेंटिटी के LHS जैसा है, आप वैल्यू RHS में डाल दो। अगर मान लीजिए क्वेश्चन RHS जैसा होता तो वैल्यू में LHS में डाल देता। चलिए तो x माइनस वाई, तो x माइनस वाई एक्स स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एक्स वाई ए माइनस बी इंटू बी। अगला स्टेप a माइनस का 2b, a माइनस बी का होल स्क्वायर बोलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर, उस टर्म कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, देखो माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब देखो बचा कितना, a माइनस टू भी तो बाहर है ही है, उसका कुछ करना नहीं है, a स्क्वायर कोई और a स्क्वायर का टर्म है नहीं, बिल्कुल नहीं है, सिंगल a स्क्वायर है, प्लस b स्क्वायर और कोई b स्क्वायर भी नहीं है, प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का ab, तो ये बचेगा माइनस का ab, बस आ गया, और कुछ हो नहीं सकता, पूरे दोनों क्वेश्चन फैक्टराइज हो गए, क्वेश्चन फिनिश हुआ। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल मैथ्स फिलीज को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।